मार्वल यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, अगर उनमें से कोई सुपर हीरो जिसके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इलाबोरेट करके दिखाया गया है तो वो है टोनी स्टार्क। उसके फ्लॉज से लेकर के उसके एडवांटेज तक सब कुछ विदाउट सुगर कोट प्रेजेंट किया गया है। कहाँ वो गलत होता है, कहाँ वो अपने ईगो में फंसा होता है, कब वो एकदम से सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, कब उसे मौत का डर होता है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। और ऐसा क्यों? बिकॉज इन द एंड ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ अस। ही इज़न्ट जस्ट अबाउट ऑल गुड। वो कोई गॉड नहीं है दूसरे प्लैनेट का, ना ही वो किसी लैब एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है, और ना ही उसके पास कोई एक्स्ट्रा अनह्यूमन ट्रेंड फिजिकल एबिलिटीज़ है। ऑल ही हैज़ हिज माइंड एंड हिज विल टू सर्वाइव लाइक अस। तो इस वीडियो में हम लोग टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के 5 फंडामेंटल चीज़ों पर बात करेंगे और उसके पर्सनैलिटी को एक नए परस्पेक्टिव से समझने की और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर दिस वीडियो यू विल नॉट सी टोनी स्टार्क द सेम वे अगेन। पहली चीज़, ही इज़ अनकन्वेंशनल। वो एक चीज़ जो टोनी स्टार्क को बाकी सुपर हीरो से अलग करता है वो है उसका एटीट्यूड, जो बाकी हीरोज़ के कंपेयर में काफ़ी डिफरेंट है। जहाँ सुपर हीरोज़ यूजुअली अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखना चाहते हैं, वहीं टोनी स्टार्क अपने सुपर हीरो आइडेंटिटी को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अनाउंस करता है। आई एम आयरन मैन। जहाँ सुपर हीरोज़ अंडरग्राउंड रह करके काम करते हैं, वहीं टोनी स्टार्क लोगों के बीच शहर में अपनी बड़ी टावर खड़ी कर रखी है। बहुत को टोनी का ये कॉरपोरेट इमेज भी लग सकता है लाइक ए बिजनेस लीडर, जो बहुत हद तक सही है। बट यूजुअली आप देखोगे जितने भी कॉरपोरेट लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो अपने आप को हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ पेश करते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क वी ऑल नो। टोनी स्टार्क में थोड़ा एक सोशल नॉन कन्फॉर्मिटी है जो उसे इतना अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, उसे क्या करना चाहिए सोसाइटी के हिसाब से, ये चीज़ उसके लिए उतना मैटर नहीं करता है। इन केस ऑफ टोनी स्टार्क इट इज़ हिज वे और नो वे। और ऐसा नहीं है कि ये एटीट्यूड हमेशा ही उसके फेवर में काम करता है, समटाइम्स इट डजंट। पर मेरा पॉइंट ये है कि हमें भी कुछ हद तक अनकन्वेंशनल होने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारे काम को लेके। यदि आपको इस भीड़ में अपने काम को नोटिस कराना है तो यू विल हैव टू डू इट डिफरेंटली, बी अनकन्वेंशनल लाइक टोनी स्टार्क। दूसरी चीज़ है, ही स्पीक्स हिज माइंड। यह एक इंग्लिश फ्रेज है, स्पीक वंस माइंड, मतलब कि अपना जो भी ओपिनियन हो उसे बिना झिझक के बोल देना। टोनी स्टार्क दिमाग से जुबा तक लाने में कोई चीज़ फिल्टर नहीं करता है। उसका तुम्हारे प्रति जो भी ओपिनियन होगा, ही विल से राइट ऑन योर फेस। ही डजंट केयर इफ यू आर ऑफेंडेड। इफ थानोस नीड्स ऑफ 6, व्हाई डोंट वी जस्ट स्टिक दिस वन डाउन द गार्बेज डिस्पोजल? नो कैन डू। दिस वन ऑफ टू प्रोटेक्ट द टाइम। इफ देयर इज समथिंग गुड इन यू, ही विल अप्रिशिएट इट। वांग यू इनवाइटेड टू माय वेडिंग। इफ देयर इज समथिंग बैड, ही विल से राइट ऑन द स्पॉट। That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice, but we did. और इस हैबिट को हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में। इट मेक्स थिंग्स लेस कन्फ्यूजिंग। और ऑनेस्ट ओपिनियन की ज़रूरत स्पेशली तब होती है जब हमसे कोई अपने काम के लिए रिमार्क मांगता है, उस पर टिप्पणी करने को कहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगले बंदे का काम खराब भी हो तो भी हम उसे एक झूठा अश्योरेंस दे देते हैं, भाई सही काम की हो, भाई फाड़ दियो, ताकि वो ऑफेंड ना हो, उसे खराब ना लगे। और ये बहुत ही गलत बात है। झूठा अश्योरेंस एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपने काम में जल्दी से इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। द अर्लियर यू फाइंड मिस्टेक्स इन योर वर्क, द फास्टर यू विल इम्प्रूव। टोनी स्टार्क के जैसे हमें भी हमेशा दूसरों के प्रति, दोस्तों के बीच में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखना चाहिए, और खुद के लिए भी लोगों से ऑनेस्ट ओपिनियन ही लेनी चाहिए और उसे सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बिकॉज देयर इज़ नो रियल प्रोग्रेस विदाउट ट्रू एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। सो ऑलवेज स्पीक योर माइंड लाइक टोनी स्टार्क। नंबर 3, ही हैज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जितने भी सुपर हीरोज़ हैं मार्वल यूनिवर्स में, सबके सब मॉर्टल बीइंग हैं, मतलब कि वो लोग भी मर सकते हैं, दे आर नॉट इमॉर्टल। इवन थॉर, जो कि एक गॉड है, ही कैन ऑल्सो डाई। पर पूरे मार्वल मूवी सीरीज में किसी के मोर्टैलिटी को, मौत के भय को अप क्लोज दिखाया गया है तो वो है टोनी स्टार्क का। टोनी स्टार्क का आयरन मैन बनना भी खुद को मौत से बचाना था। चाहे वो उसके चेस्ट में अर्क रिएक्टर हो जो आयरन शार्पनर को उसके दिल तक पहुँचने से रोक रखा था, चाहे वो पहला आयरन मैन सूट जिसके मदद से वो टेररिस्ट कैंप से बाहर निकला था, या फिर प्लेडियम का रिप्लेसमेंट खोजना जिसके पॉइजन के कारण वो धीरे धीरे मर रहा था। आयरन मैन दुनिया के इविल्स के साथ साथ अपने मौत से भी लड़ता है। और जिस मोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं हम, वो फर्स्ट एवेंजर मूवी के बाद से और भी उसके लाइफ में बढ़ जाती है। न्यूयॉर्क एलियन अटैक के बाद टोनी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जिस तरह के नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिस तरह के आ रहे हैं, एक दिन शायद वो काफ़ी नहीं होगा, मे बी ही विल फेल। Nothing's been the same since New York. You experience things, and then they're over and you still can't explain them.
gods, aliens, other dimensions. I'm just a man in a can. और ये डर उसके लाइफ में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिसके कारण वो खुद को ऑब्सेसिवली अपग्रेड करता रहता है। हजार तरह के पावरफुल वेपन अपने आर्मर में सेट करता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा आयरन मैन सूट्स बनाता है। वो दिन आने से पहले ही वांट्स टू बी फुली प्रिपेयर्ड। और ठीक टोनी स्टार्क के तरह, यदि हमें भी इस हाईटेक वर्ल्ड में रेलेवेंट रहना है तो हमें भी अपने नॉलेज और स्किल सेट को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नंबर 4, ही हैज प्लेफुलनेस। टोनी स्टार्क जैसा करिज्मेटिक कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स में कोई दूसरा नहीं है। इसका पहला रीज़न तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर खुद ही है। जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाए हैं, ही इज़ इररिप्लेसेबल। कोई दूसरा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं एज एन आयरन मैन। और सेकेंड रीज़न है टोनी स्टार्क का नेचर। ही इज़ फुल ऑफ फन एंड ए मैन ऑफ हाई स्पिरिट्स। टोनी स्टार्क के हर एक अंदाज में, जैसे वो बात करता है, जैसे वो लड़ता है, जैसे वो आर्ग्यू करता है, इवन जैसे वो शो ऑफ भी करता है, उसके हर एक अंदाज में एक लाइवलीनेस होता है, एक जॉली मूड होता है। You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about 2 blocks from here. I don't know what it is, but I want to try it. We're not finished yet. And then shawarma after. हाँ, वो दूसरी बात है कि कभी कभी ये प्लेफुलनेस एरोगेंसी में बदल जाती है, तो कभी सेल्फ ऑब्सेशन में, तो कभी मैडनेस में। पर कुछ भी हो, एटलीस्ट ही इज नॉट बोरिंग। बैटलफील्ड में भी टोनी स्टार्क का एक अलग ही अंदाज होता है, जिससे एक्शन सीन देखने का मजा ही दोगुना हो जाता है। I'm sorry, Earth is closed today. You better pack it up and get out of here. और अगर हमें भी टोनी स्टार्क के जैसे अपने लाइफ में इनोवेटिव होना, उतना ही चार्मिंग पर्सनालिटी बनानी है, तो हमें भी कुछ हद तक अपने लाइफ में प्लेफुलनेस लाने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी लिटिल जॉली इन नेचर। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ही इज़ अ मैकेनिक। जब भी हम कोई आयरन मैन की मूवी देखते हैं, उसमें बेसिकली टोनी स्टार्क के दो आइडेंटिटी को ही हाईलाइट किया जाता है। एक जब वो अपने टक्सीडो में होता है एज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और दूसरा जब वो आयरन मैन आर्मर पहन के लड़ रहा होता है। बट आई थिंक एक तीसरा आइडेंटिटी भी है टोनी स्टार्क का, जिसे उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है और ना ही उतना क्रेडिट, और वो है जब वो अपने गैराज में अकेले काम कर रहा होता है लाइक ए मैकेनिक। स्टोरी के हिसाब से नेसेसरी ना होने के कारण जब भी उसके गैराज का सीन आता है, तो यूजुअली उसे टाइम लैप्स में ही निकाल दिया जाता है, फास्ट फॉरवर्ड करके विद बैकग्राउंड म्यूजिक। बट मूवी में कोई सीन है जो टोनी स्टार्क के रियल स्ट्रेंथ को दिखाती है, तो वो है उसका गैराज का सीन। पहली बार टोनी स्टार्क उन लोगों में से नहीं है जो पोजीशन होल्ड करके दूसरे लोगों से काम करवाने का शौक रखते हैं। उसे खुद ही काम करने में मज़ा आता है, ग्राउंड लेवल से लेकर के हायर लेवल तक। ही हिमसेल्फ इज़ एन इंजीनियर, डिज़ाइनर एंड एवरीथिंग। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी पे वो काम करता है, उसके लिए उसे दिनों दिन रातों रात गैराज में ही रहना होता होगा। अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में उसके सूट की अपग्रेडेशन देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि उसे बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा, कितने घंटे वो अपने गैराज में अकेले बैठ के काम किया होगा। Where'd that come from? It's nanotech. You like it? और इन चीजों को आपको खुद ही समझना होगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड टोनी स्टार्क, यू विल हैव टू रीड बिटवीन द मूवीज। एक इंग्लिश में कोट है, चैंपियंस आर नॉट मेड इन द रिंग, दे आर मेयरली रिकॉग्नाइज्ड देयर। ये जितने भी रियल लाइफ चैंपियंस है ना, चाहे वो मोहम्मद अली हो या मेसी हो या विराट कोहली हो, हम बस उनके अचीवमेंट्स के कारण ही उन्हें चैंपियंस मानते हैं। बट वो लोग बहुत कम उम्र से ही अपने स्किल पे वर्क कर रहे हैं। दे हैव गिवन आवर्स एंड आवर्स टू होन देयर क्राफ्ट, टू गेट परफेक्ट एट इट। और ये एक्चुअल रीज़न है उनके चैंपियन होने का। और जैसे टोनी स्टार्क की रियल लेबर और हार्डवर्क मूवी में दिख नहीं पाती है, उसी तरह इन लोगों के रियल लेबर और हार्डवर्क से दुनिया परिचित नहीं है। हकीकत तो ये है कि अगर आपको अपने किसी स्किल को बेहतर करना है, यदि उसमें मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और बहुत ही टाइम देना पड़ेगा। कोई चीज़ में मास्टरी एक हफ्ते में हासिल नहीं होती। टोनी स्टार्क इज आयरन मैन नॉट जस्ट बिकॉज ही हैज आयरन मैन सूट, बट बिकॉज ही इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क लाइक एन आयरन मैन, लाइक ए मैकेनिक, फॉर आवर्स एंड आवर्स अलोन इन हिज गैराज। तो ये थे 5 रूल्स टोनी स्टार्क के। अगर ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं कि आप टोनी स्टार्क से क्या सीखे, आपको टोनी स्टार्क में क्या अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।